नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज है हमारे पास ये HP स्मार्ट टैंक 529 प्रिंटर, और इसको कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, कैसे इसमें रिफ़िल भरी जाती है, और उसके बाद फाइनल प्रिंटआउट तक कैसे पहुंचा जाता है, ये सब कुछ हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके टेपिंग को निकाल देते हैं। जब आपकी टेपिंग निकल जाए तो आपको यहाँ से इसको खोलना है। इसके अंदर भी टेप लगी हुई है, तो वो भी आपको निकालनी है। इसके बाद इसके इस कॉपी के स्कैनर बॉक्स को खोलना है और यहाँ से इसकी टेपिंग को हटा देना है। ये सब कुछ आप जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर है। और ये है यहाँ पर टैंक इसका, जिसमें ब्लैक, ब्लू और पिंक और येलो, ये चार तरह की आप इसमें इंक भरेंगे। और इंक भरने के लिए सब कुछ कमांड लैपटॉप या कंप्यूटर से देता है। ये है इसके साथ आने वाली इंक। तो यहाँ पर चार बॉटल मिलती हैं, तीन कलर की मिलती हैं और एक ब्लैक की मिलती है, जो कि इससे डबल होती है। इससे आप दो बार भर सकते हैं। एक यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए USB केबल होती है, जो कि प्रिंटर में लगती है, उसके बाद आप इसे लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा सकते हैं। और एक पावर कॉर्ड है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए अलग से मिलती है। और यहाँ पर ये है प्रिंटर हेड, जो दो मिलेंगे आपके लिए, और एक ब्लैक होगा और एक कलर होगा। इनको आपको अंदर इसके अंदर सेट करना है। ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा आगे। तो इस कॉर्ड को आपको पीछे इसमें लगाना है, बड़ी आसानी से लग जाती है। उसके बाद आपको पावर कॉर्ड को यहाँ पर लगा देना है। अब आपको इसको आपके स्विच में लगा देना है और USB को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लीजिए। प्रिंटर को पावर देने के लिए बोर्ड के अंदर इसको लगाना है। अब यहाँ पर आपको क्रोम में जाना है और यहाँ से HP के ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। तो आपको HP की 123hp.com वेबसाइट पर जाकर ड्राइवर डाउनलोड करके इस स्क्रीन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको फिल इन द इंक टैंक, तो टैंक भरने के लिए कमांड दिए हुए हैं। आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर जो कमांड दिए जाएँ आप वैसा वैसा करते जाइए, तो आपकी इंक भर जाएगी। यहाँ पर ये टेप निकालने के लिए भी दिया हुआ है, ये सब कुछ बताएगा आपको। इस तरह से इसको रिमूव करना है, उसके बाद आपको इंक टैंक का ढक्कन खोलना है, उसमें आपको किस तरह से बोतल को लगाना है, और बोतल भर जाए तो टैंक भर जाए तो आपको बोतल को हटा देना है। तो इसको ऐसे आपको खोलना है, उसके बाद यहाँ पर ये बोतल को दिखाएगा, उसका ढक्कन खोलना है। तो ब्लैक कलर सबसे पहले भराया जाएगा, तो हम ब्लैक बोतल को ओपन करते हैं। इस तरह से ट्विस्ट करना है और बोतल आपकी खुल जाएगी। तो जैसा स्क्रीन में इसमें दिखाया गया है, उस तरह से आपको फिर बोतल को इसके ऊपर प्रेस करना है, और नीचे ये शो करेगा कि आपका टैंक भर रहा है। तो ये हमारी बोतल है, इस पर भी लिखा हुआ है HP, और ये हमने इसके टैंक को खोल दिया है। अब इसको इस पर दबाना है, थोड़ा टाइटली दबाना है, ये फिक्स हो जाएगा उसमें। तो हमने ये दबाया तो नीचे इंक भरने लग गई है। ये फुल भर जाए तो आपको इसको हटा देना है। इससे आप दो बार भर सकते हैं ब्लैक इंक को, ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद, और कलर के लिए आपको अलग से इंक दोबारा ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये हमारी भर चुकी है, अब इसको हटा देते हैं। इसको ऊपर खींचना है और ये भरना बंद हो जाएगी। अब इसके ढक्कन को लगा दीजिए। अब हमें ये कमांड देगा, तो ये दूसरे कलर की इंक भरने के लिए कमांड इसमें आएगा, तो वो आपको फॉलो करना है।
तो ये दे रहा है कि आपको क्लोज कर देना है ढक्कन को, और उसके बाद आपको अगला इंक भरना है। तो हमारा ये ढक्कन क्लोज हो गया है, अब ये येलो इंक भरने के लिए बोल रहा है। जैसा कलर ये बोला है वही कलर आपको इसमें भरना है। हमने येलो भर दिया, उसके बाद हमारे पिंक को भर रहे हैं, और उसके बाद हम ब्लू कलर इसमें डालने वाले हैं। जो इसमें स्टेप दिया जाए उसी हिसाब से इसको भरना है, ताकि आपका सही तरीके से प्रिंटर वर्क करे। तो हमने इंक को ब्लू इंक भी इसमें डाल दी है। और एक बात याद रखें कि जब भी आपकी ये बोतल ख़त्म हो जाए तो आपको ओरिजिनल HP की बोतल इसके अंदर डालनी है, आप दूसरे ब्रांड की नहीं डालें, ताकि आपका ज़्यादा लंबे समय तक ये प्रिंटर अच्छी तरह वर्क करे। अब इसको खोलना है, अब हमको इंस्टॉल करना है प्रिंटर हेड, इसमें इंस्टॉल करने हैं। तो ये हमने यहाँ से खोल रखा है, और नीचे से टेप निकाल कर प्रिंटर हेड के निकालना है इसको हमें। जैसे ये बताए वैसे ही हमको इसके अंदर से इसको निकालना है। तो हमारे पास ये है, और ऊपर से इसको दाबना है ब्लू कलर के को, और ये दाबने पर लग जाता है, और इसको एक बार दाबते हैं तो हट जाता है। अब इसको निकाल लीजिए। अब इसके अंदर प्रिंटर हेड को डालना है। प्रिंटर हेड ये आपके लिए दिए हुए हैं, तो ये तो हमने निकाले हैं, ये प्रिंटर हेड है, और इन दोनों के ढक्कन को भी खोलकर डालना है जो ऊपर इसमें लगे हुए हैं, ये बता रहा है। क्योंकि अगर आप इनके ढक्कन को खोलकर नहीं डालेंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे, और आपके प्रिंटर में एरर दिखाएगा। और इसके ऊपर एक चिट भी लगी हुई होती है, उसको भी हटाना है, ये HP लिखा हुआ है, इसको हटाए बिना आप नहीं डालें, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर कलर दिए हुए हैं, ब्लैक कलर डालना है हमें पहले उधर की तरफ, तो आप ब्लैक कलर के को यहाँ पर सेट कर दीजिए। इसको दबाना है और ये लग जाएगा, ये लग चुका है। अब हमें ट्री कलर वाले तीन कलर वाले को डालना है और इसको लगा देना है। अब यहाँ पर जो ब्लू बटन है इसको प्रेस करना है, ताकि ये दब जाए इस पर। ये लग चुका है, अब इसको दोबारा हटाएंगे तो हट जाता है, और ये लग गया। अब हमारा प्रिंटर हेड लग चुका है, अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसके अंदर आप सीट के लिए डाल सकते हैं, कौन सी सीट डालना चाहते हैं, यहाँ पर साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर A4 साइज डाल रहा हूँ, जो कि मैं इसमें एडजस्ट कर देता हूँ। अब हम यहाँ से एक प्रिंट देकर देखते हैं अपने लैपटॉप से। हमारे पास हमने एक एडिटिंग की हुई फ़ोटो बनाई है, जिसको कि हम प्रिंट करने वाले हैं। ये है रंगीन फ़ोटो, फोटोकॉपी वगैरह, इसके लिए हमने कंप्लीट बनाया है, इसको प्रिंट देते हैं। तो हम कलर प्रिंट निकालने वाले हैं पहले, कैसा प्रिंट आएगा इसका। हमने अपने लैपटॉप से प्रिंट दे दिया है, अब प्रिंटर इसको प्रिंट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमने सीट भी लगा दी है A4 साइज। अब हम देखते हैं कैसा ये प्रिंट हमें निकाल कर देगा। अभी से इसने प्रोसेस नहीं किया है, प्रोसेस करने पर ये आपके पेपर को अंदर लेने लग जाएगा। शुरू में थोड़ा टाइम लगाता है। हाँ, ये देखिए आपका पेपर अंदर जाने लग गया है। यहाँ पर कागज़ दिखाई देने लगा है, लेकिन ये पहली बार में जब हम प्रिंट देते हैं तो ये अपना ही एक प्रिंट निकाल कर देता है, ये आपके इस प्रिंट को नहीं निकालेगा, इसको आपको दूसरी बार में निकालेगा जब आप प्रिंट देंगे। तो ये इसका फर्स्ट पेज है, इसमें कलर वगैरह के लिए ये दिखाता है। उसके बाद हम दोबारा से इसका प्रिंट निकालते हैं, तो ये हमारा प्रिंट निकल कर आ चुका है, और प्रिंट की क्वालिटी
काफ़ी शानदार है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।